ओम नमः शिवाय। दोस्तों मेरा नाम है अंकित है और आज मैं आप सबके बीच में आया हूँ इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए कि एक किडनी फेलियर पेशेंट, क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट क्या खा सकता है क्या नहीं खा सकता है। ये वीडियो हर एक किडनी पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, तो चलिए ज्यादा लेट करे बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक इंसान खाने के ऊपर ही जिंदा रहता है। अगर किसी इंसान का खाना बंद कर दिया जाए तो उस इंसान की कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाती है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या होगा अगर हर प्रकार का खाना आपके लिए जहर बन जाए। अगर आप कुछ भी खाओ और वो खाते ही आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए और वो दिक्कत आपको मौत के पास ले जाए, हो जाएगी ना लाइफ एकदम से नरक जैसी। यही चीज होती है किडनी फेलियर पेशेंट के साथ। जब किसी इंसान की किडनी खराब हो जाती है तो उसकी किडनी शरीर में से कुछ जरूरी तत्व को फिल्टर करना बंद कर देती है। वो जरूरी तत्व शरीर के अंदर बढ़ते जाते हैं और उनकी बढ़ी हुई मात्रा शरीर में परेशानी क्रिएट करती है। जिस प्रकार से एक नॉर्मल इंसान की किडनी पोटेशियम को बाहर निकालेगी, यूरिया को बाहर निकालेगी, यूरिक एसिड को बाहर निकालेगी, लेकिन जब किसी इंसान की किडनी खराब हो जाएगी तो पोटेशियम बाहर निकलने की जगह पे शरीर में बढ़ता जाएगा, यूरिया शरीर में बढ़ता जाएगा, यूरिक एसिड बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट को बहुत प्रकार की दिक्कतें आने लग जाती हैं, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत आना, जी घबराना, हार्ट अटैक आना, स्वेलिंग आना, बहुत ज्यादा उल्टी लगना, दस्त लगना, इंडाइजेशन होना, सही प्रकार का खाना ना खाने की वजह से किडनी फेलियर पेशेंट में इस प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसी वजह से एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपने खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, क्या खाने से ज्यादा जरूरी होता है क्या नहीं खाना। इस बात का किडनी फेलियर पेशेंट को जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक बार को अगर किडनी फेलियर पेशेंट थोड़ी बहुत अच्छी चीजें ज्यादा या कम मात्रा में खा लेता है तो चल जाएगा, लेकिन जो चीजें उसको नहीं खानी चाहिए अगर उसने वो चीजें खा ली तो वो अपनी किडनी के फेल होने की स्पीड को बढ़ा देगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि किडनी फेलियर पेशेंट को क्या नहीं खाना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किडनी फेलियर पेशेंट क्या खा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो अगर किसी इंसान की किडनी खराब होनी शुरू हो गई है और उसका क्रिएटिनिन जरा सा भी बढ़ा हुआ आने लगा है तो पहली चीज जो उसको अवॉइड करनी चाहिए वो होगी एनिमल प्रोटीन। किडनी फेलियर पेशेंट को हर प्रकार का एनिमल प्रोटीन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो उसकी किडनी होती है वो एनिमल प्रोटीन को शरीर से बाहर निकालने में और उसके डाइजेशन करने में फेल हो जाती है, जिसके जैसे उसके शरीर में ज्यादा मात्रा में यूरिया और यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है। दूसरे नंबर पे किडनी फेलियर पेशेंट को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको गलती से भी एक भी पेन किलर नहीं लेनी चाहिए। ज्यादातर किडनी फेलियर पेशेंट की जब हिस्ट्री देखी जाती है तो पता चलता है कि पेशेंट पेन किलर लेने लग रहा था, और पेन किलर एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से किसी भी हेल्दी इंसान की किडनी फेल हो जाती है। तो अगर लंबे समय तक पेन किलर का सेवन करा जाता है तो वो किडनी को फेल करने का काम करता है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर कोई इंसान जिसकी किडनी फेल हो चुकी है और अगर किडनी के फेल होने के बाद भी वो पेन किलर को कंटिन्यू रखता है तो ऐसे इंसान के साथ क्या होगा, उसकी किडनी की फेल होने की स्पीड और जल्दी बढ़ती जाएगी। अगर वो सीकेडी की स्टेज वन में है तो वो स्टेज फाइव तक जल्दी पहुंच जाएगा, जल्दी डायलिसिस पर हो जाएगा। तीसरे नंबर पे किडनी फेलियर पेशेंट को गेहूं और सफेद चावल बंद कर देना चाहिए। गेहूं और सफेद चावल जो कि आजकल के खास करके नॉर्थ इंडिया में किसी भी इंसान का नॉर्मल डाइट का हिस्सा होता है, तो उनको इस प्रकार के खाने को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप खुद ही सोचिए, जब गेहूं और चावल को खाते हुए आपकी किडनी फेल हो चुकी है तो अगर आप इनको खाते रहोगे तो क्या ये आपकी किडनी को ठीक होने में हेल्प करेंगे? नहीं, ये आपकी किडनी को ठीक होने में हेल्प नहीं करेंगे। आपको इनको बंद करके मिलेट्स की सहायता लेनी चाहिए। थोड़ी देर में आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से और किस मात्रा में आपको मिलेट्स का सेवन करना चाहिए ताकि आपकी किडनी को हील करने में भी सहायता करें। इसके बाद अगले नंबर पे किडनी फेलियर पेशेंट को चीनी और उसके साथ में आयोडीन नमक का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। चीनी और आयोडीन नमक किडनी फेलियर पेशेंट की कंडीशन को और ज्यादा खराब बना सकते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे किडनी फेलियर को हर प्रकार का तला हुआ खाना, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, इन सभी प्रकार की भारी चीजों का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आखिर में मैं आप सभी को एक जरूरी बात और बताना चाहूंगा, किडनी फेलियर पेशेंट में मसल्स के वीयर एंड टियर की वजह से क्रिएटिनिन लीक होता है, लेकिन उसी क्रिएटिनिन को किडनी शरीर से बाहर निकालने की क्षमता को खो बैठती है, जिसकी वजह से शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाता है। अगर किडनी फेलियर पेशेंट हैवी एक्सरसाइज और हैवी वर्कआउट करेगा तो उसके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ेगी, जिसकी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट की स्टेजेस जल्दी प्रोग्रेस कर सकती है। तो इस वजह से किडनी फेलियर पेशेंट को हैवी वर्कआउट भी बंद कर देना चाहिए, ज्यादा मसल्स का हैवी वर्क नहीं करना चाहिए जिससे कि ज्यादा क्रिएटिनिन रिलीज ना हो और उसकी सीकेडी कंट्रोल में रहे।
तो चलिए अगर आपने इन चीजों को ध्यान से सुन लिया है कि किडनी फेलियर पेशेंट को किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, तो अब मैं आपको बताना प्रारंभ करता हूँ कि किडनी फेलियर पेशेंट क्या खा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे तो किडनी फेलियर पेशेंट को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये किडनी फेलियर पेशेंट की स्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप कहोगे मैं ये क्या कहने लग रहा हूँ, जी हाँ मैं बिल्कुल ठीक कहने लग रहा हूँ। अगर किसी सीकेडी पेशेंट के किडनी जस्ट खराब होना चालू हुई है और उसकी किडनी स्टेज वन में और स्टेज टू में है, तो ऐसे पेशेंट की किडनी में अभी कैपेसिटी बची हुई होती है कि उसकी किडनी शरीर से पोटेशियम को बाहर निकालती रहती है। तो स्टेज वन और स्टेज टू के पेशेंट डीआईपी डाइट का अच्छे से सेवन कर सकते हैं, यानी कि वे फ्रूट्स भी खा सकते हैं, सैलेड भी खा सकते हैं। इससे ना केवल वो अपने सीकेडी के स्टेज को बढ़ने से रोक पाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ में अगर को अच्छे से कोशिश करेंगे तो उसको रिवर्स करने में भी काफी हद तक कामयाब हो सकते हैं। सीकेडी की स्टेज 3, 4 और 5 के अंदर में धीरे धीरे करके किडनी शरीर से पोटेशियम और फॉस्फोरस को बाहर निकालने की क्षमता को खोने लग रही होती है। अगर इस स्टेज के अंदर हैवी मात्रा में हैवी पोटेशियम रिच और हैवी फास्फोरस रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करा जाता है, तो शरीर के अंदर पोटेशियम और फास्फोरस की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। शरीर के अंदर ज्यादा पोटेशियम होने की वजह से किडनी फेलियर पेशेंट की जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, चेस्ट में पेन होने लग जाता है और पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा बन जाता है। इसके साथ साथ ज्यादा फास्फोरस होने की वजह से सारे शरीर में इचीनेस होने लग जाती है। तो इन वजह से जब किडनी फेलियर पेशेंट की स्टेज 3, 4 और 5 चालू हो जाती है, तो ऐसे में पेशेंट को वे फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए जिनमें ज्यादा पोटेशियम होता है। तो इस स्टेज में पेशेंट को एक स्पेसिफिक और कस्टमाइज डाइट चार्ट बनवा करके उसका सेवन करना चाहिए, ताकि वो केवल वे चीजें खाए जो उनके शरीर के लिए हेल्दी रहेंगी और वे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अवॉइड करे जो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ में अगले नंबर पे अगर किसी किडनी फेलियर पेशेंट को इमरजेंसी सिम्टम्स आ गए हैं, यानी कि उसके शरीर में सूजन ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके साथ साथ पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आने लग गई है, या फिर पेशेंट को खांसी होने लग रही है, दस्त लगने लग रहे हैं, पेशेंट को उल्टी आने लग रही है, तो इस कंडीशन में गलती से भी पेशेंट को फ्रूट्स का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ना ज्यादा वॉटरी फ्रूट्स खाने चाहिए और ना ही ज्यादा वॉटरी वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहिए। इस कंडीशन में जब इमरजेंसी सिम्टम्स आने लग रहे हैं तो कुछ भी खाते ही दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को एक कस्टमाइज डाइट चार्ट का ही पालन करना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर ज्यादा सीवियर सिम्टम्स हो जाते हैं तो एलोपैथी की सहायता से अपने शरीर में बढ़े हुए टॉक्सिन को बाहर निकालने के बाद में फिर कस्टमाइज डाइट चार्ट बनवा करके उसका पालन करना चाहिए, ताकि उस प्रकार के इमरजेंसी सिम्टम डिले करे जा सके और धीरे धीरे करके सीकेडी को रिवर्स करने के ऊपर काम करना चालू करा जा सके। अब इसके बाद अगले नंबर पे हम बात करते हैं कि किडनी फेलियर पेशेंट में एक डायलिसिस पेशेंट को क्या खाना चाहिए। डायलिसिस पेशेंट में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खाने पीने का परहेज करना। पहले नंबर पे तो अगर पेशेंट का डायलिसिस चलने लग रहा है तो डायलिसिस प्रोसेस के साथ भी शरीर में से कुछ नेसेसरी मिनरल्स होते हैं जो कि बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से शरीर में ज्यादा कमजोरी आती है। तो डायलिसिस पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक कस्टमाइज डाइट चार्ट का पालन किया जाए। डायलिसिस पेशेंट के लिए प्रोटीन का होना भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर डायलिसिस पेशेंट के शरीर में प्रोटीन की ज्यादा कमी हो जाती है तो डायलिसिस के समय या तो बीपी ज्यादा लो चला जाता है या ज्यादा हाई चला जाता है, जिसकी वजह से लाइफ के ऊपर भी बात चली जाती है। तो डायलिसिस पेशेंट को भी तो अपना कस्टमाइज डाइट चार्ट को और साथ में प्रोटीन रिच डाइट को फॉलो करना चाहिए, ताकि उसके शरीर में ताकत बनी रहे। और डाइट इस प्रकार की होनी चाहिए जो ना केवल उसके शरीर में जो टॉक्सिन जा रहे हैं उन टॉक्सिन की मात्रा को कम करे, बल्कि उसके शरीर को ताकत भी दे। अगर पेशेंट इस प्रकार के डाइट को फॉलो करता है तो उसके शरीर में ताकत भी बनी रहेगी, वो डायलिसिस को भी झेल पाएगा, और उसके साथ साथ में धीरे धीरे करके जब उसकी रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन कम आने लगेगा तो धीरे धीरे डायलिसिस को टेपर डाउन भी कर पाएगा। इसके बाद मैं आप सबको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जो कि सीकेडी के पेशेंट आराम से घर पर खा सकते हैं। सीकेडी के पेशेंट सिरदानिया मिलेट्स को आराम से घर पर खा सकते हैं। सिरदानिया मिलेट्स की अंबली बना करके घर पे खाया जा सकता है। एक नॉर्मल सीक्वेंस देखी जाए तो 3 दिन के लिए लिटिल मिलेट, 3 दिन के लिए कोडो मिलेट, 3 दिन के लिए बर्नयार्ड मिलेट, 1 दिन के लिए ब्राउन टॉप मिलेट और 1 दिन के लिए फॉक्सटेल मिलेट। 11 दिन की इस सीक्वेंस के अनुसार किडनी फेलियर पेशेंट मिलेट्स को खा सकते हैं, और उसके बाद 11 दिन के लिए इसी सीक्वेंस को रिपीट कर देना चाहिए। तो अगर किडनी फेलियर पेशेंट मिलेट्स को खाना चाहें तो इस सीक्वेंस की सहायता से खाएंगे तो उनको फायदा मिलेगा। फिर भी मैं हर प्रकार के सीकेडी के पेशेंट को यही रिकमेंड करूंगा कि उसको अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग
और अपनी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज डाइट चार्ट बनवा लेना चाहिए, और कस्टमाइज डाइट चार्ट बनवा करके अपने प्रोफेशनल सुपरविजन के अंडर में उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो कस्टमाइज डाइट चार्ट बनाया जाएगा वो पेशेंट की हेल्थ को ध्यान में रख के, उसके पैरामीटर्स को ध्यान में रख के कि उसका यूरिया कितना है, उसकी पोटेशियम कितना है, उसका क्रिएटिनिन कितना है, यूरिक एसिड कितना है, सोडियम कितना है, इन सभी चीजों को ध्यान में रख के उसका डाइट चार्ट बनाया जाएगा और तब वो बताई गई चीजों को फॉलो करना चालू करेगा। तो इससे ना केवल वो अपनी सीकेडी की प्रोग्रेस होने की स्पीड को कम कर पाएगा, बल्कि अगर वो अच्छे से बताए गए रूटीन को फॉलो करेगा तो उसको रिवर्स करने में भी कामयाब हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए और अपने लिए एक कस्टमाइज डाइट चार्ट बनवाना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हो, आपको ट्रीटमेंट प्रोसेस और ट्रीटमेंट प्रोसीजर भेज दिया जाएगा। आखिर में मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मिली है और आपको इस प्रकार के हेल्थ रिलेटेड वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ओम नमः शिवाय।